नमस्कार भाई दोस्तों, बहुत साथियों के फोन आए थे, मैसेज आए थे कि उस मसले पे बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, अगर कोई बात है तो सच्चाई सामने भी लानी चाहिए, लेकिन अचानक से किसी चीज़ के ऊपर रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आपको पता है पिछले 3-4 वीडियो में जिक्र किया था, अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे जाकर चैनल के ऊपर वीडियो चेक कर सकते हो। जस्टिन ट्रूडो का जिक्र किया था मैंने 3-4 वीडियो में, आपको याद होना चाहिए। किसी का जिक्र करते हैं ना तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे लिया करो, कुछ ना कुछ होने वाला है। ये आज आपको बता रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। और ये जो चला हुआ है कनाडा वर्सेज इंडिया जो चला हुआ है ना, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से होली थी भाई, और ये सब तो होना था। ये किसी नेता के कारण नहीं होया कि किसी नेता ने कुछ गलत किया, ना नेता की कोई गलती नहीं है। ये सारा का सारा मसला गोदी मीडिया का बनाया हुआ है, गोदी मीडिया ने। अब जब इनका बायकॉट होने लगा तो ये लोग कहते हैं कि हम तो जनता की आवाज है, लोकतंत्र पे हमला है, ये हमारा बायकॉट नहीं। कौन सा लोकतंत्र हो भाई तुम? तुम्हारा लोकतंत्र ही बताओ पहले तो। जो तुम लोगों ने चलाया था, जो चलाया था तुम लोगों ने, जो सीरीज चला दी थी ने एक टाइप की सीरीज, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ एक सीरीज चलाई थी। क्यों? सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, जो मसली बात है, अपने देश के नागरिकों के साथ खड़ा होने का अगर किसी का सबसे बड़ा उदाहरण है ना, सबसे बड़ा उदाहरण तो वह जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो अपने देश के नागरिकों के साथ खड़ा होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने देश के नागरिक के साथ खड़े हैं, और यहां तो नागरिक चाहे कहीं जाओ आओ खत्म हो जाओ, प्रधानमंत्री छोड़िए कोई नेता भी साथ नहीं खड़ा होता, एक MLA भी साथ नहीं खड़ा होता अपने देश के नागरिकों के। और हम इनको चुन लेते हैं 5 साल के लिए कि ये हमारा भला करेंगे, भला करेंगे ये हमारा। या जो कहानी चली है ना, या G20 सम्मेलन में जब आए थे, जिस तरीके से कैनेडियन प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो है उनको नजरअंदाज तो करया सो करया, जब उनके एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम आई थी तब क्या सीरीज चलाई थी? सबको पता है, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट पहले लिया था। तुम जो न्यूज चला रहे थे ना उसका स्क्रीनशॉट लिया था हमने, वो सारे के सारे प्रूफ है हमारे पास। और उसके बाद यो होना लाजमी हो गया था भाई, क्योंकि जो तुम लोगों ने चलाया था, चलो टीवी को तो दुनिया देखती, टीवी में जो खबरें आती है ना, नंबर कहाँ पे है भाई अपनी मीडिया का, कहाँ पे नंबर है? 162वां नंबर। जब 200 देशों में तुम्हारा 162वां नंबर है तो कौन तुम्हारी न्यूज के ऊपर विश्वास करेगा? इसके बीच में और भी बहुत सारी न्यूज आई थी। ये जो चला हुआ है ना कनाडा वर्सेज इंडिया बना रखा है, डिटेल में बताएंगे इसको, ऐसे नहीं, डिटेल में कहाँ से शुरू हुआ था, गलती किसकी शुरू हुई थी। अब तुम जो चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो ना, एक चीज बता रहा हूं, ये बहुत बड़े ज्ञानी भी बन जाते हैं फिर यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, जस्टिन ट्रूडो का ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकता कोई। ये भी बता रहे हैं कोई किसी का कुछ नहीं कर पाएगा, सोशल मीडिया पर बोलने वाले, ना कोई जस्टिन ट्रूडो का कुछ कर पाएगा, ना प्रधानमंत्री मोदी का कोई कुछ कर पाएगा। ये बस अपनी सोशल मीडिया पर अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाएंगे। उससे पहले जो आज आपको बताने जा रहे हैं, जो चीज थी ना, जो बताने वाली चीज थी, वो बतानी क्यों नहीं बताई भाई? सबसे पहले आप सुनिए महाराष्ट्र की घटना, महाराष्ट्र की घटना। अगर कोई सिख है ना, गलती से किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, बड़ा ऊपर नीचे करके बड़ा वो करते हैं, लेकिन एक सिख ने इतने बड़े रिकॉर्ड, एक सिख ने क्या बताऊं, पिछले 3 दिन में हजारों सिखों ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए। अगर डिटेल में बताने लग जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले सुनिए। हाँ भाई, कोई जानता है मोती सिंह कौन है? मोती सिंह के बारे में सुना पिछले 3-4 दिन में किसी ने सुना हो तो बताना। अब सुनिए, ही सेव्ड 2 गर्ल्स फ्रॉम बींग रेप्ड बाई 4 गाइज इन नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर का जिक्र आ गया, थोड़ा ध्यान रख लेना। बट सैडली द मीडिया हैज नॉट पिक्ड अप हिज स्टोरी एंड ऑल्सो द सिंह यूज्ड हिज कृपाण एंड पॉजिटिव लाइफ। क्यों भाई? एक सिंह ने एक लड़की के साथ, एक दो लड़कियों के साथ 4 बंदे रेप कर रहे थे, अपनी कृपाण से उन दोनों लड़कियों की रक्षा की। महाराष्ट्र नागपुर, नागपुर तो तुम चले ही जाते हो, नागपुर में जाकर तो स्टोरी दिखा सकते थे, लेकिन फर्क यह था कि बचाने वाला एक सिंह था, एक सरदार जी था, इसलिए नहीं दिखाया। कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखाया ना, हम बताएंगे मोती सिंह का, आपको फोटो भी बिल्कुल लगा के दिखाएंगे, दिखानी चाहिए थी। गोदी मीडिया, तुम कहते हो ना लोकतंत्र, तुम्हारा लोकतंत्र ही बताएंगे। ये तो एक छोटी सी घटना बताई आपको नागपुर की, अब बताएंगे ना असली घटना। सिद्धू मूसेवाला को जानते हो? पंजाब की कलम, पंजाब की नहीं पूरे भारत की कलम बोल लेंगे हम उसको, भारत की कलम थी वो बंदा। ब्रह्मटन के अंदर एक सड़क का नाम सिद्धू मूसेवाला के नाम पर रखा जा रहा है, सुखदेव सिंह मूसेवाला। ये होता है मतलब के अभी 2023 की लिस्ट निकली, 2023 की, सिद्धू मूसेवाला भाई को जाए को भी, दुनिया से गए भी 1 साल हो गया, वो तो स्वर्ग में है और हमारे जैसे नरक लोक में लेटे हुए, नरक लोक है ये समझना मत, और ये स्वर्ग नरक दिखाते ना, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, तो चला जाता वो स्वर्ग में होता है, नरक लोक में हम बैठे हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला के नाम पे रखा था 2023 की जो लिस्ट आई है, कलाकारों की, कलंकारों की नहीं, कलंकार की लिस्ट नहीं बोलेंगे, कलाकारों की लिस्ट आई है 2023 की, जो टॉप वर्ल्ड के
उसमें टॉप 20 में कोई इंडिया का है ही नहीं। कहाँ गए भाई? चलो तुम्हारा भारत बोल देते हैं, तुम्हारे भारत का भी नहीं है, भारत का भी टॉप 20 के अंदर किसी का नाम नहीं है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का नाम है आज भी टॉप 20 में। और नहीं पता हो तो वर्ल्ड के नंबर 3 पे पहुंच गया था वो बंदा। यहाँ पे होती है थोड़ी सी तरक्की कर लो दुश्मन फ्री में मिल जाते हैं, ये बात होती है। अब बताते हैं आपको करतारपुर साहिब कॉरिडोर की घटना, जिसने की कोई है ना एक मतलब ये बाथरूम भी बनवाता है ना, बाथरूम भी कोई नेता बनवाता है और उसके ऊपर अपना फोटो लगा देता है, मीडिया भाग के कवरेज करती है, देखो मंत्री जी ने क्या बनवा दिया। अबे सुनो, अब सुनो तुम ध्यान से, तुम्हारे को बताते हैं करतारपुर कॉरिडोर में सबसे बड़ा योगदान अंग्रेज बिजनेसमैन पीटर बर्डी का है। पीटर बर्डी कौन है पता है? पीटर बर्डी, इसलिए बोलते हैं पंजाबी नंबर वन। पीटर बर्डी नाम जरूर है उसका, लेकिन एक सिंह है, एक सिंह है, सच्चा सुच्चा सिंह है पीटर बर्डी, देखना चाहिए आपको। ये है पीटर बर्डी, कैसा लगा पीटर बर्डी? पीटर बर्डी कैसे लगा पहले तो ये बताओ। ये है पीटर बर्डी और इनका आप योगदान सुनिए आप, अगर आपके पैरों थल्ले से जमीन ना निकल जाए ना, क्या योगदान दिया उन्होंने। जिन करतारपुर कॉरिडोर के लिए 500 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है, जो उनकी सेवा के लिए पता कितने पैसे बन गए। तुम मिलियनों में दशम जो कि तुम तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे थे ना, अब इनके सुन लीजिए, ये रुपए बनते हैं 99,98,38,60,650 पाकिस्तानी रुपए बन गए भाई, 99 अरब। ठीक है, 98 करोड़। किसी ने बताया क्या गोदी मीडिया? बताया क्या? पाकिस्तान की न्यूज बड़ी दिखाते हो, दिखाओ ना एक सिंह ने क्या योगदान दिया है, एक सिंह ने क्या योगदान दिया करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए। इसलिए कहते हैं सिंह हमेशा नंबर वन है, और सरदार जी लगा दे सरदार है, सरदार ही रहेंगे, ये तो सरदार जी ही रहेंगे, और तुम चिंटू मिंटू ही रहोगे, तुम चिंटू मिंटू ही रहोगे, इससे आगे तुम बढ़ नहीं सकते। और बचा जो तुमने सीरीज चला रखी है कनाडा वर्सेज इंडिया, कनाडा वर्सेज इंडिया, इस सीरीज को यहीं रोक लो, वर्ल्ड लेवल पे तुम्हारी हर बार बेइज्जती होती है, बेइज्जती क्या होगी, तुम्हारी इज्जत तो है ही नहीं, गोदी मीडिया को इज्जत तो है नहीं, तो इनकी बेइज्जती क्या करें, इज्जत नाम की चीज नहीं इनको। हाँ, अगर आपको सुख शांति से अपने जीवन जीना है तो एक टीवी देखना छोड़ दो, टीवी देखना छोड़ दो, ये नहीं कहता कि भाई आप हर एक यूट्यूब वाले को भी देखो, क्योंकि यूट्यूब के भी बड़े बड़े चैनल इन्हें खरीदे हुए हैं, तो वहां पर भी इनकी रामायण चलेगी, दो शब्द ठीक चलेंगे, बाकी इनकी रामायण चलेगी। अब पता लगे सिंह किसे कहते हैं, सरदार किसे कहते, दिखाओगे क्या? और हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया आपको कि अभी एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, दिखा दो एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, हम दिखाएंगे, हम बताएंगे। और हाँ, जो तुम कनाडा वर्सेज इंडिया की सीरीज चला रहे हो, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, सभी साथियों की राय के हिसाब से वीडियो बनाएंगे, ये नहीं पूरी डिटेल निकाल के तब आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। आप कमेंट करके बता देना आप इस पर वीडियो देखना चाहते हो या नहीं, तो आपको ना और इतनी ज्यादा दिखाएंगे वीडियो। भाई मान गए हरियाणवी जाट, इसी से समझ जाना, कमाल करके यार, कमाल करके छोरे पड़े हरियाणा वाले भाई, छोरे विदेश में जा गए, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि एक मजबूत स्तंभ बन जाए अपना संयुक्त पंजाब का, ऐसा कारनामा करके दिखाया लड़के ने, ऐसा कारनामा। बाकी सब ने वो वीडियो देखे होंगे, लेकिन और से बहुत वीडियो, अपना भी एक साथी गया अभी अमेरिका, उसने भी अच्छा बनाया, सबका दिखाएंगे आपको, कमाल किया यार लड़कों ने, मान के जागृति आ रही है भाई, हरियाणा भी जागृति, संयुक्त पंजाब भी बनेगा, खालसा राज भी आएगा, खालसा राज कायम होगा, ऐसे ही जागृति आती रही। तो सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, राज करेगा खालसा।